कोई बफर कुछ नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों मेरे बच्चे लोगों के साथ? न्याय के लिए सर हम दिल्ली तक गए, नहीं मिल रहा है हमें न्याय। क्या न्याय के लिए कोई रास्ता नहीं है? इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। पटना पुलिस की कारगुजारी देखिए। पिछले 6 घंटे से एक लड़की और इसकी माँ राजीव नगर थाना के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई इसकी शिकायत नहीं ले रहा है और ना ही इसकी सहायता करने को तैयार है। मन कोई बफर कुछ नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों मेरे बच्चे लोगों के साथ? न्याय के लिए सर हम दिल्ली तक गए, नहीं मिल रहा है हमें न्याय। क्या न्याय के लिए कोई रास्ता नहीं है? आपको बता दें कि मामला आखिर है क्या, 10 से 12 की संख्या में दबंग लोगों ने इस लड़की की मां के साथ मारपीट कर इसके सारे सामान को बाहर फेंक दिया। उसके बाद जब ये महिला मदद के लिए राजीव नगर थाना पहुंची, तो मदद की बात तो छोड़ ही दीजिए, घटना स्थल पर भी जाने से किसी ने गवारा नहीं समझा। पिछले 6 घंटे से कैंपस में रो रो के सबसे गुहार लगा रही है, लेकिन इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। दरअसल मामला यह है कि लड़की के पिता पर लड़की ने बलात्कार का एक मामला 2018 में दर्ज कराया था और तब से ही ये विवाद चला रहा है। वहीं आज जिन लोगों को भेजा गया था वो इसके पिताजी का भेजा हुआ आदमी है, इसे घर से बेदखल करना चाहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में पटना के SSP को जानकारी दे दी गई है, लेकिन सवाल सीधा है कि पिछले 6 घंटे से कैंपस में खड़ा परिवार मदद किससे मांगेगा? या तो कानून से मांगेगा या पुलिस से, लेकिन जब दोनों ही मदद नहीं करेंगे तो आखिर मदद के लिए लोग कहाँ जाएंगे? एक मेरी उस टाइम मेरी बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ था 13 साल उम्र था, एक बच्ची का मेरा 9 साल उम्र था, अभी के डेट में मेरा बच्ची लोग 13 साल की हो गई है। ये लोग मारपीट कौन किए हैं? ये सर कोई ललित विजय कुंडा भेजा है। अच्छा। कह रहे हैं आपका मकान हम 1.5 साल पहले खरीद लिए हैं, घर खरीद लिए हैं, तो आप खाली करिए। कहाँ गए सिंघम कहलाने वाले SSP? अब जब जनता को आपकी जरूरत है तो आप कहाँ व्यस्त हैं? अगर आपको आपके निजी काम से छुटकारा मिल गया हो तो जरा अपने थानेदार पर भी नजर डालिए। और अगर आपको इस पीड़िता की चिक या इसकी दर्द सुनाई दे रही है तो इसकी मदद कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम सेना है। अच्छा, क्या घटना हुई? सुबह में 10-12 के तकरीबन में आदमी आए, अनजान आदमी थे, हम किसी को नहीं जानते थे। वो लोग मेरे घर में घुस के मेरी मम्मी को हमको बहुत मारे हैं। हम लोग का फोन छोड़ दिए, मेरी मम्मी का हाथ पर बांध के मुंह दबा दिए थे, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मार मारे। उसका घर से निकाल के बोले कि केस वापस ले लो, घर छोड़ के चल जाओ, नहीं गई तो गोली से मार देंगे, कोई नहीं कुछ तुम लोग को करने आएगा, बोलने आएगा। कौन सा केस? पॉक्सो एक्ट पे हम मेरे साथ मेरे पिताजी ने बलात्कार किया था तो उसी पे केस किया हुआ था, वही केस वापस लेने के लिए बोल रहे थे मुझे। कितना दिनों से धमकी दे रहे हैं? बहुत दिनों से, इससे पहले भी ये कांड हो चुकी है, घर में ताला काट के घुसे थे, बहुत मारपीट किए थे, कपड़ों वपड़ों फाड़ दिए थे, बहुत सारे चीज मतलब की गलत हरकत कर रहे थे। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, न थाना प्रशासन कुछ किया, आज भी थाना आए कोई कुछ नहीं बोला, वापस चला गया लौट कर। कितने देर से यहाँ पे खड़ी हो? सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, 4-5 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं हम लोग। अच्छा, ये बलात्कार का मामला कब आया था सामने? ये क्या बोलते 18 में आया था, कैंपस के खिलाफ महिला थाना में कंप्लेन किए थे, उस विधि हमें से हम लोग को ऐसा किया जा रहा है। FIR दर्ज हुई थी? जी हुई थी, महिला थाना में, यहाँ पे राजीव नगर थाना नहीं दर्ज किया था तो जाके महिला थाना में हमने दर्ज किया था। तो पिताजी को अभी तक पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार की? सब वो बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन मेरे जेब में है, कोई कुछ नहीं मेरा करेगा, तुम लोग को मार के फेंक देंगे, कोई कुछ नहीं बोलने आएगा तुम लोग को। अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है? हाँ, 2020 में जनवरी मंथ का अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। हम लोग हमारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको कई बार बोले तो वो बोलती है कि आप चलिए हमारे साथ में, खुद से नहीं जाती है वो, हमको जान से मारने की हमेशा धमकियाँ देते रहते, कभी कुछ नहीं कोई करने आता। माँ कहाँ गई? माँ तो अभी सीनियर SP के पास गई हुई है। क्या मैं कर
सुबह में कितने बजे ये लोग आए थे? सुबह में 5 बजे आए थे ये लोग। उस समय से रोड पे खड़ी हुई मोहल्ले में भी कोई कुछ नहीं, सामने उन लोग को बोलने आया, कितना मार मारा था हम लोग को, मुंह दाब के जान से मार रहा था, कोई कुछ नहीं बोलने आया। सुबह 5 बजे हम सोए हुए थे गेट खोल के, मेन गेट खोल के, 2-3 गो रेंटर है मेरा, हमारे गेट खोल के जैसे अंदर जाके लेटे हैं मेरी बेटी लोग, ताला खोलने के लिए शटर का ताला खोल रहे थे, किराना दुकान है मेरा, उसका शटर खोल रहे थे, बेटी दोनों को शटर के अंदर लॉक करके रखा है, और हमको जाके हाथ पर बिछाने पे सोए हुए थे, हाथ पे मुंह बांध दिया है, देखिए पूरा एकदम फंस के नरटी दाब के पूरा डंडा से मुत्ता से कुत्ती से खूब मारपीट किया है, और उसके बाद बोल रहे सारा हार्डी डिस्ट्री भी जितना मेरा लगा हुआ है सबको नोच दिया, अलमारी से जितना मेरा पैसा कौड़ी जेवर जत्ती है सबको जाके तहस नहस कर दिया है, और ले के निकल गया था जाके हमको मुंह बांध के बाहर में करे, बाहर में खाली कैसे निकाल कर फेंक दिया है। तो हम फंसी के यहाँ आए थाना में, थाना पर बैठे हुए थे सर, क्या नाम सर का बुला रहे अभी, तो बोले रहे हम बस्ती वाला को फोन कर दे रहे हैं आपके पास पहुँचेंगे, 10-15 मिनट हम यहाँ बैठे तो नहीं बैठा, तो कहते जाइए जाइए घर जाइए, कश्ती वाला पहुँचेंगे तो आपका देख लेंगे। तो कश्ती वाला लास्ट में गए तो क्या किए, खाली दरवाजा पर करा दिए आप कौन है, तो कह रहे का मेरा ही है, हमको घर से निकाल दे, करे नहीं कुछ नहीं है, बस कश्ती वैसी गाड़ी लेकर चल आए, और कुछ नहीं किया सर, दोनों माए बेटी, तीनों माए बेटी बाहर में मोबाइल से लेके सब कुछ उन लोग के हवाले, मेरे पास कुछ नहीं, नाइटी के अलावा पहने हुए जो रात में सोए थे, क्योंकि सुबह नहाने के बाद ही हम कपड़ा पहन के दुकान पे। अभी आप कहाँ गए थे? अभी हम सीनियर एसपी के पास गए थे, वहाँ बोलने लगे सर, तो वहाँ से भी हमको सर जो है निकाल दिए हैं, जो आपका बात नहीं सुनेंगे, नहीं तब इन लोग को फोन किया है जो उसको ले जाइए, तो सर लोग हमको फिर ले गए गांधी मैदान थाना, गांधी मैदान थाना से फिर सर लोग अभी हमको यहाँ छोड़ने आए, जो फिर से चलिए कोतवाली के राजीव नगर थाना, क्योंकि राजीव नगर थाना में जो सुनवाई होगी वो सर मेरा मदद के लिए कोई नहीं आया, मेरा 2 गो बेटी, इससे पहले मेरा केस चल रहा है मेरा पति के साथ, मेरे बच्ची का बलात्कार किया है, आज से 2 साल से मेरा पति भागे हुए हैं, 2018 से भागे हुए हैं, उनका वारंट निकला हुआ है, गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना ही कुछ कोई कहीं से सुनवाई हो रहा है, ना ही अभी तक हुआ, हम सर पार्लर किराना दुकान और छोटा मोटा कपड़ा बेच के हम यहीं पर परवरिश कर रहे हैं बच्ची दोनों का, इसके अलावा कुछ नहीं मेरा साधन है, जो घर बनाए हैं, हम डांसर लड़की थे, हम एल्बम भोजपुरी पिक्चर में पहले काम करते थे, 2016 के बाद घर जब से हम बनाना स्टार्ट किया हम सब कुछ छोड़ दिए हैं, और हम छोड़ के बच्ची लोग का परवरिश करने लगे हैं। कौन सा जगह पे रहती हैं? ये राजीव नगर चंद्र विहार कॉलोनी में सर हम रहते हैं, आज जो हमको स्थिति से बाहर कर दिया सर नहीं होता है। बेटी की उम्र क्या है? एक मेरी उस टाइम मेरी बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ था 13 साल उम्र था, एक बच्ची का मेरा 9 साल उम्र था, अभी के डेट में मेरा बच्ची लोग 13 साल की हो गई है। ये लोग मारपीट कौन किए हैं? ये सर कोई ललित विजय गुंडा भेजा है। अच्छा। कह रहे हैं आपका मकान हम 1.5 साल पहले खरीद लिए हैं, घर खरीद लिए हैं, तो आप खाली करिए, ना कोई बात ना कोई कुछ, हमें सिर्फ एक दिन प्रशासन गए बोले जो आपका ये जांच करने आए हैं, कोई ये केस किया है 44 लगाने के लिए, तो हमने सर किस चीज़ का कौन बेचा, तो कह रहे का ये लोग पेपर कोई बना दिया, हम नहीं जानते हैं, ना ही किसी से कुछ लेना है ना देना है ना बातचीत है सर, और तब हम एसटीओ इनके पास बोले सर हमको कुछ दीजिए जो हम सबूत जानेंगे ना कौन क्या किया नहीं किया किसने साइन किया, इन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया ना कुछ दिया। मतलब आपके पति फरार चल रहे हैं, मकान भी बेच दिए? कह रहे का मकान बेच दिया सर, बेचा कि नहीं हम आज तक नहीं जानते, हम ये लोग का भी कोई कोई अगर हमको बोला है। आपके पति का नाम क्या है? अकरुज जमा खान, यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा। और वहाँ पर उसका दो बेटा मेरा दोनों पे, उसका बेटा दोनों भी मेरे बच्ची के साथ गलत किया था, इसमें सारा रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो आप लोग की शादी लव मैरिज हुई थी क्या? नहीं सर, हमको हम डांसर थे, हमको ये उठा के ही शादी किया था, निकाह पड़ा था फुलवारी शरीफ में। अच्छा। उसके लिए भी हम कह देते हैं क्योंकि हम झूठ कभी नहीं बोले हैं ना आज तक बोलेंगे, क्योंकि हम तो बच्ची लेके जीना चाहते सर, हम लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं किए हैं ना सर करना चाहते। क्या नाम है आपका? मेरा जासमीन नाम है सर, मैं ये चाहती हूँ 2 बच्ची को लेकर अगर मैं जी रही।